नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये वाली चारपाई की पार्ट वन में मैं ये डिजाइन आपको बता चुका हूँ। आपने नहीं देखी है तो पार्ट वन आप देख लेना, क्योंकि पार्ट वन आप नहीं देखोगे तो ये चारपाई की डिजाइन आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ तक मैंने बता चुके हूँ दोस्तों। अभी यहाँ पर पार्ट टू में हम देखते हैं आगे वाली चारपाई की बुनाई। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये ब्लू कलर वाली जो रस्सी है वो इस टाइप से यहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हो इस टाइप से यहाँ पर वो डिजाइन बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, देखो ये गोल्डन कलर की पांच रस्सी है, एक ब्लू कलर की, रेड कलर की, गोल्ड कलर की, रेड, ये पांच पांच रस्सी ली। आप यहाँ से देख सकते, देखो ये पाँच, एक पाँच, एक पाँच, इस टाइप से हमने लिए। लेकिन दोस्तों ये बीच में सेंटर बोलते हैं, जो चारपाई के बीच में जो सेंटर होता है ये सेंटर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो आप देख सकते हो, नज़दीक से दिखा देता हूँ, एक दो तीन चार पाँच, पाँच रस्सी ली। बाद में हमने यहाँ से क्या किया था, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो एक एक रस्सी कम किया था। लेकिन यहाँ पर ये सेंटर होने में ये आप देखो चौरस हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया। तो बाद में हमने एक एक रस्सी यहाँ से कम किया है। तो देखो यहाँ पर एक कम की, बाद में दो की, तीन चार पाँच, इस टाइप से हमने कम की। तो ये कुल हमने 11 रस्सी ली, 11 रस्सी ये है और 11 रस्सी ये है, तब ये ऐसी आपको डिजाइन देखने को मिली। इस टाइप का आपको चौरस देखने को मिलेगा। ये देख लो आप, ब्लू कलर का है, इस टाइप का चौरस आपको देखो मिलेगा। अभी जब आगे चलेंगे तब यहाँ पर ये ब्लू कलर का यहाँ पर बड़ा चौरस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो दोस्तों ये 11 रस्सी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ पर ये 9 रस्सी होगी, सॉरी 11 नहीं, 9 रस्सी, यहाँ पर 9 और ये 11 है। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11, ये 11 रस्सी और ये 9 रस्सी, दोनों के साथ में 11 रस्सी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो पहले किया गया, एक दबाई, दो दबाई, तीन दबाई, चार और यहाँ पर ये पांच रस्सी दबाई थी। बाद में क्या किया हमने, सिर्फ चार दबाई, तीन दबाई, दो दबाई और एक रस्सी हमने यहाँ पर दबाई है, तब इस टाइप के आपको डिजाइन देखने को मिली है। आप दोस्तों देखो यहाँ पर किस टाइप के आपको अलग अलग डिजाइन आपको देखने को मिलती है। और अगले वाले में देखना, अभी दोस्तों यहाँ पर क्या किया था, इस टाइप से एक एक रस्सी को ज़्यादा उठाया था, एक उठाई, दो उठाई, तीन उठाई, चार उठाई, पाँच। तो अभी यहाँ पर क्या करना, देखो एक एक रस्सी कम करते चलना है। पहले एक कम किया, बाद में दो तीन, एक रस्सी, एक एक रस्सी को यहाँ पर कम करते चलना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, छः दबाई, पाँच दबाई, चार दबाई, तीन, दो और अभी एक रस्सी को यहाँ पर दबाएंगे, तब इस टाइप की डिजाइन बनेगी। दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखना तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि चारपाई की डिजाइन की बुनाई कैसे करते हैं। एक एक रस्सी के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, और आपको समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार स्टॉप कर लो और देखो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। दोस्तों देख लो यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये रेड कलर की 9 रस्सी है और ये एक ब्लू कलर की है, फिर ये पाँच रस्सी गोल्ड कलर की है, ये एक रस्सी है ये ब्लू कलर की, फिर पांच रेड कलर की, एक ब्लू, फिर गोल्ड, यहाँ पर पांच पांच रस्सी का। ये जो यहाँ पर बीच में जो सेंटर बना है इसलिए यहाँ पर 9 रस्सी है और यहाँ पर ये 11 रस्सी है, बाकी सब पांच पांच रस्सी का बना। देखो आप, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये सब पाँच पाँच रस्सी के बना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सिर्फ लास्ट तक देखो आप, ये पांच पांच कलर के रस्सी से बना है, पांच रस्सी है एक एक बार। तो यहाँ पर देखो ये चौरस कंप्लीट हो गया है, अभी ये डिजाइन रिटर्न आ रही है। यहाँ पर एक और भी चौरस यहाँ पर बन गया है, आप देख सकते हो, यहाँ से लगाकर ये वाला एक चौरस कंप्लीट हो गया, अभी ये चौरस कंप्लीट होगा। इस टाइप से धीरे धीरे आगे होगी डिजाइन, और आप देख सकते हो यहाँ से इस टाइप की आपको लाइन देखने को मिलेगी। आपको चारपाई में जो सही तरह चल रहते हो तो आपको इस टाइप की ये लाइन आपको दिखने को मिलेगी, जो आगे पीछे हो गया तो आपके चारपाई की डिजाइन इस टाइप से दिखेगी नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये लाइन सीधी आनी चाहिए ताकि आपके चारपाई की बुनाई अच्छी लगेगी, इस टाइप से जो हमने बनाई है।
और आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को स्टॉप कर लेना ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये चारपाई की बुनाई आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना ताकि हम नए वीडियो में जो भी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार कर आपको फिर से आपके सामने वीडियो भेज दें। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एक चौरस हुआ, ये दूसरा वाला हुआ, ये तीसरा वाला, अभी यहाँ पर चौथा वाला चौरस चल रहा है। आपको मैं एक बार नज़दीक से पूरी डिजाइन दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों इस टाइप के आपको ये डिजाइन देखने को मिलेगी। अभी तो आधी बाकी है, लास्ट तक वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से ये डिजाइन चली है, एक एक रस्सी के बारे आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि रेड कलर की 5 रस्सी है, गोल्ड कलर की 5, रेड कलर की 5, गोल्ड, एक बार रेड लिया, गोल्ड, रेड, गोल्ड, इस टाइप से लिया, और बीच में 5-5 रस्सी के बाद में एक ब्लू कलर की हमने रस्सी ली है, तो वो इस टाइप से काम करती है। यहाँ पर भी हमने 5 गोल्ड रस्सी ली थी, बाद में एक ब्लू, फिर गोल्ड ली, रेड, गोल्ड, इस टाइप से लिया था एक एक रस्सी। तो इस टाइप से ये डिजाइन आपको देखने को मिलती है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए चारपाई की डिजाइन कैसी है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ तक बुनाई हुई है। अभी आपको मैं एक बार पूरी चारपाई दिखा देता हूँ। इस टाइप से ये चारपाई की डिजाइन आपको दिख रही है। आप देखो बीच में जो सेंटर है वहाँ से कितना 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आए, ये 6 ऐसा दिख रहा है, और वहाँ पर कितना 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसा नहीं समझना कि इसमें 6 है और वहाँ पे 5 है, तो बीच में सेंटर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो ऐसा कोई नहीं, यहाँ पर एक ज़्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन ये वाली आपको रस्सी है वो ध्यान में रख कर चलना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि इस टाइप से मैंने ये 3-3 रस्सी ली, ये 3 यहाँ पर ली, 3 रस्सी यहाँ पर ली, बाद में 3 रस्सी भी यहाँ पर ली, 3 यहाँ पर, ये 3-3 रस्सी का मैंने जोड़ा बनाया ताकि ये डिजाइन अच्छी लगे, और ये गुंडी। तो दोस्तों यहाँ पर बस इतनी सी छोटी सी बाकी रही है, ये लास्ट तक आपको वीडियो देखना किस टाइप से ये बनी। तो दोस्तों यहाँ पर ये चारपाई की बुनाई कंप्लीट हो गई है, तो कुछ इस तरह से ये चारपाई की बुनाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो पीछे के साइड में गिरा लगा दिया, गांठ लगा दी है, और यहाँ पर भी हमने पीछे की साइड में लगा दी है। तो ये चारपाई कुछ इस तरह आपको दिखेगी, यहाँ पर एक बार देख लो आप, इस टाइप से दिखेगी। यहाँ पर हमने ये